बहुत बहुत धन्यवाद कमलवीर जी। और अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में प्रोफेसर रतनलाल जी हमारे बीच पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रोफेसर रतनलाल जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। वो जिग्नेश मेवाणी जी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच पहुंचे हैं, सम्मानीय प्रोफेसर रतनलाल जी। लोकतांत्रिक जनता दल के संरक्षक, हमारे वरिष्ठ नेता श्री शरद यादव जी, अली अनवर साहब, तारिक साहब, जयंत भाई, राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष भरत भाई, चंद्रशेखर भाई, मंच और तमाम इस सभा में जितने भाई साथी बहन माताएं बैठी उन सबका अभिनंदन और जय भी। आज मैं भाई एक्सीडेंट आ गया हूं आपके बीच, आना था जिग्नेश भाई को, लेकिन उनके आंदोलन के साथ ही का देहांत हो गया। कल वो जयपुर में थे और अचानक उनको अहमदाबाद जाना पड़ा, तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं तो अचानक यहां आ गया, देहांत हो गया और आप चले जाइए, इसलिए अकस्मात मुझे आपके बीच आना पड़ा। और उनकी जो बातें हैं 2-3 मिनट में मैं आपके बीच में साझा करूंगा, बाकी हमारे वरिष्ठ नेता लोग यहां पे हैं, वो आपके बीच और सारी बातें विस्तार से रखेंगे। कल राजस्थान में और देश के कई तीन चार सूबों में, राजस्थान के अलावा 3 सूबों में चुनावी रण का ऐलान हो गया, चुनावी रण का ऐलान हो गया है। और बाबा साहब कहते हैं, लिखते हैं कि समझदार वही है जो अपने शत्रु को पहचानता हो, और शत्रु को ये लोकशाही में पराजय कैसे किया जाता है। बाबा साहब ने यह भी कहा था कि अब राजा जो है मां के पेट और राजमहल से नहीं निकलेगा, बैलेट बॉक्स से निकलेगा। तो शत्रु को हराने के हम लोग को युद्ध अब थोड़ा ही होता है, लेकिन राजस्थान बहादुरों की धरती रही है। कम से कम चुनाव के दिन 7 तारीख आ रहा है, अपने शत्रु को पहचानिए और सीधे भाजपा को हराइए। उस दिन सारा काम छोड़कर माताएं बहनें किसान मजदूर साथी जितने हैं सब लोग जाकर इसको वोट देना है, क्योंकि बाबा साहब ने सबसे बड़ा अधिकार जो संविधान में दिया था वो अधिकार आरक्षण से भी बड़ा अधिकार था, वो अधिकार था वोट देने का अधिकार। अगर वोट देने का अधिकार नहीं रहता, आपको अपना नारा सुनने का अधिकार नहीं रहता, तो आज आप नागरिक नहीं होते यार, आज सिटीजन नहीं होते, आज प्रजा होते, गुलाम होते, राजाओं के गुलाम होते। इसलिए वोट के महत्व को पहचानना और सीधा इस बार देश और प्रदेश इस भाजपा को, जो कि दलित विरोधी है, मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है। अभी 4-3 दिन पहले दिल्ली में क्या हुआ सब जानते हैं, किसानों के पीठ पर डंडे पड़े। ये सरकार रोजगार विरोधी है, ये शिक्षा विरोधी है, नौजवान विरोधी है और ये जन विरोधी सरकार। आया था जिग्नेश भाई ने कहा तो देख भाई कुछ नहीं करना है, इनका मैनिफेस्टो याद दिलवा देना है 4 साल पहले का, इस सबका साथ और सबका विकास बोले थे। शायद लगा कि हम लोग को सुनने में थोड़ी गलती हुई, वो सबका साथ तो बोले थे लेकिन धीरे से बोले थे सबका विनाश। तो इस देश में 4-5 लोगों की सरकार है, अडानी, अंबानी, सन हेडक्वार्टर नागपुर और
और इधर शाह और मोदी पांच ही लोगों की सरकार, वहां कैबिनेट मिनिस्टर का भी नहीं चलता, आपको नहीं पता है। सांसद और एमएलए तो छोड़ दीजिए, उनके कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं मिल सकते हैं, जहां तो रात जो है नोटबंदी हो जाती है और वित्त मंत्री जेटली साहब को पता ही नहीं कैसे नोटबंदी हो गया। जो कहां से खेल हो रहा है, यह अडानी और अंबानी के घर से यह पूरा खेल हो रहा है। हम लोग एज ए कार्यकर्ता एज एक्टिविस्ट देश के तमाम सुबह में घूमते जाते हैं, अमूमन कई सुबह में जाते रहते हैं। आज तक हमको किसी ने नहीं मिला, कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो कह रहा हो कि हम खुश हैं इस चार साल में, लग रहा है कि मनोज मिर्जे का शासन ये वापस लाना चाहिए, खाली कुछ भक्त को छोड़कर। भाई हम लोग किसानों परिवार से आते हैं और किसानों के बीच में गोबर अगर खेत में डले तो खाद बनती है, और चूल्हे में डले तो आग बनती है, और दिमाग में डल जाए तो क्या बनता है, भक्त। तो कुछ भक्तों को छोड़ दीजिए तो इस देश का तमाम लोग हिंदू भी खतरे में है, मुसलमान भी खतरे में है, नौजवान भी खतरे में है, किसान भी खतरे में है, मजदूर भी खतरे में है, महिलाएं भी खतरे में। कोई ऐसा समूह नहीं है जो ये खतरे में नहीं है। और सबसे अंतिम में और सबसे महत्वपूर्ण, भारत का संविधान खतरे में है, सरकार वापस इस सूबे में उस देश में आ गई तो समझिए ऐसा संविधान बना के रखा है नागपुर में, जिसमें न दलित की जगह है, न पिछड़े की जगह है, न आदिवासी की जगह है, न महिला की जगह है, न मजदूर की जगह है, न किसान की जगह है, आवाज की जगह नहीं है, ये जन की जगह, जनता की जगह नहीं होगी। वहां कुछ और ड्रेन घराने और गाय गोबर करने वाले साधु जो कि जाते कर भी उगाल जा देते हैं, ऐसे लोगों की हुकूमत आने आनी है। इसलिए साथियों अंतिम बात यह कह रहा कि अपने शत्रुओं को पहचानिए, भले हम दो दिन खाना नहीं खाएंगे लेकिन आपको सम्मान से सम्मान से समझौता नहीं होगा। अपने शत्रुओं को पहचानिए और ज्यादा से ज्यादा आने वाले चुनाव में, सूबे के चुनाव में और देश के चुनाव भी आने वाली है, और शरद जी सब कुछ त्याग कर बंगला मंत्रालय सब कुछ त्याग कर पूरे देश भर में घूम रहे हैं कि भाजपा और संघ प्रायोजित सरकार को हराना है, इसलिए इनका हाथ मजबूत करना है। इसलिए भूखे रहे कुछ रहे लेकिन आने वाले चुनाव में जाकर वोट डालना है। वैसे ईवीएम का खेल करने में के चक्कर में तो ये रहते हैं लेकिन इस बार पहुआ मंडल में हमें सजग रहना है, वीवीपैट देखना है, कहा क्या हमारा वोट एटीएम से पैसा निकाले पर्ची देता है कि 50 रुपये क्या निकाले 5000 निकाले, गड़बड़ करने के चक्कर में भी होंगे लेकिन अब कम वोट देने तो दिक्कत है, इतना वोट उसमें लाते रहे कि वोटिंग मशीन में गड़बड़ करने में कंफ्यूज हो जाए, इतना वोट उसमें डाल दे रहा है। इसलिए आने वाले चुनाव में जाइए और एक बूथ वोट डालकर इस आपकी जो भूल थी कमल की भूल उसको नष्ट कीजिए। जय गुरु साथियों, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रतनलाल जी।